हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू गाइस डूइंग वेल। जो आज का मेरा टॉपिक है वो है इंटरमिटेंट फास्टिंग से रिलेटेड। हाँ, तो मेरे को सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि जैसे वो टीनेजर्स हैं, कॉलेज गोइंग गर्ल हैं, स्कूल गोइंग गर्ल्स हैं, तो उनसे डाइट बहुत ज़्यादा एक्सपेंस नहीं हो पाता, लाइक वो अपने डाइट में खर्चा नहीं कर पाते हैं। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को जो टिप्स एंड ट्रिक्स जो भी होता है कि आप घर के डाइट, घर का खाना से आप अपने डाइट को कैसे फॉलो कर सकते हो, ये तभी फॉलो हो सकता है जब आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हो। तो मैं बेसिकली ये, और भी लोग वीडियो देखेंगे तो उन्हें नहीं पता होगा कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होता है। बेसिकली पता होगा बट मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ आप लोगों को। इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है तीन तरीके से। आपको 16 घंटे फास्ट करना होता है और आप 6 घंटे खाओगे या 8 घंटे खाओगे, या आप 16 घंटे फास्ट करोगे या 18 घंटे फास्ट करोगे। और एक होता है ओमाड, विच इज़ 1 meal a day। आपको पूरे दिन में 1 meal लेके रहना होता है। और इन तीनों ही चीज़ से बहुत ज़्यादा वेट लॉस, फैट लॉस में आप लोगों को फ़र्क दिखता है। मैंने ये डाइट, मैं करती हूँ फिर क्विट करती हूँ, करती हूँ क्विट करती हूँ, और मेरा 1 week में ना 3 से 4 kilo वेट कम हो जाता है फॉर श्योर। अगर आप लोगों को यकीन ना हो तो आप मेरा 1 week सीरीज़ देख सकते हो, मैंने अपने इस पे प्लेलिस्ट में भी ऐड किया हुआ है 1 week इंटरमिटेंट फास्टिंग चैलेंज, जिसमें मैंने आपको क्लियरली दिखाया है कि आप अगर इंटरमिटेंट फास्टिंग करोगे, आप अपने मील को लेके जो भी आप खा रहे हो उसको एक अच्छे वे में लेके करोगे, तो 1 week में 3 से 4 kilo कम हो सकता है। और मेरा 3.5 kilo तक ऐसा कम हुआ था। तो मैं अपना रूटीन बताऊँ तो वो है सुबह उठना, सुबह उठते मैं वर्कआउट करती हूँ। मैं सजेस्ट करूँगी अगर आप किसी भी डाइट में जाते हो ना तो वर्कआउट को शो करो। वर्कआउट आपके बॉडी को एक्टिव रखेगा, आपके वेट लॉस में फ़र्क करेगा, फैट लॉस में फ़र्क करेगा। अगर आप कुछ भी खाओगे तो उसे जल्दी से बर्न भी करेगा। ओके, तो मेरा तो है कि मैं 1 घंटे एप्स वर्कआउट, स्ट्रेंथ वर्कआउट, डंबल वर्कआउट, जो भी मुझे अच्छा लगता है मैं वो करती हूँ। बट आप लोग 1/2 घंटे, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना भी बॉडी आपको करे वो करो। और जब अगर आप एक बार करोगे ना तो 1 week के बाद आप खुद धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे, थोड़ा धीरे धीरे आप बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाओगे वर्कआउट में, ठीक है। और सुबह उठते ही मैं लेती थी वार्म लेमन वाटर या एसीबी वाटर, विच इज़ एप्पल साइडर विनेगर, उसे मैं पीती थी हल्का लुक वार्म वाटर में डाल के। उसके बाद 10-15 मिनट में रेस्ट करती थी, देन मैं वर्कआउट करती थी। वर्कआउट के बाद कुछ ताम झाम नहीं करती थी मैं, लाइक कि हाई प्रोटीन हाई फाइबर करूँ, नहीं। मेरा गोल होता था कि मैं एक हेल्दी पोर्शन में मिल लूँ मॉर्निंग में। तो मैं जो मैं मॉर्निंग में लेती थी वो होता था मूसली बाउल, ओट्स बाउल, या समटाइम्स फ्रूट्स या दही दूध, ये सबको मिक्स करके ना या तो मैं स्मूदी बना लेती थी या दूध दही को मिक्स करके मैं लस्सी काइंड ऑफ चीज़ें बना लेती थी। फ्रूट्स लेती थी मोस्टली मैं। तो देखो बेसिकली ये आपके घर में होगा, और अगर आपके पास नहीं होगा तो अगर आप वेजिटेरियन हो, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं ज़्यादा वेज का ऑप्शन दूंगी, तो आप पनीर ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो। सोयाबीन तो इतना कॉमन है और इतना सस्ता आता है कि आप कभी भी कहीं से भी लेके खा सकते हो। तीनों टाइम आप सोयाबीन खा के भी रह सकते हो अगर आप ज़्यादा एक्सपेंस नहीं उठा सकते हो। मॉर्निंग में आपने सोयाबीन ले लिया, पनीर ले लिया, बट मैं कहूँगी कि आप फ्रूट से स्टार्ट करो, क्योंकि 16 या 18 घंटे का फास्ट करते हो, उसके बाद आप अगर फर्स्ट मील नमक या मसाले वाला ले लोगे तो आपके बॉडी पे इम्पैक्ट करेगा, पेट पे इम्पैक्ट करेगा, तो वो आपके बॉडी के लिए अच्छा नहीं होगा। सो या, तो आप ये चीज़ें ले सकते हो। मैं बहुत लाइट वेट से स्टार्ट करती थी। बीच में अगर मुझे भूख लगता तो है नहीं, बट अगर लगता है कभी कभार लाइक 12-1 बजे के बीच में, तो मैं एक एप्पल या छोटा सा बनाना या काइंड ऑफ कुछ भी अगर है, कुछ जैसे मैं योगा बार भी खाती हूँ, वो हेल्दी होता है, उसमें ज़्यादा फैट वगैरह नहीं होता, हाई प्रोटीन होता है, मिक्स नट्स से बने रहते हैं, वो ले लेती हूँ। अब बात करते हैं लंच की। लंच में मैं ज़्यादातर होम कुक फूड लेती हूँ, लाइक जो मेरे घर में बनता है। मैं मम्मी को बस इतना बोलती हूँ, मम्मी से थोड़ा हेल्दी वर्जन में बनाना, लाइक कम मसाला कम तेल में बनाना। और अगर हम इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहे हैं जिसमें हमें 16-18 घंटा भूखा रहना होता है, तो हम घर का खाना खा सकते हैं, ये नॉर्मल डाइट नहीं है, इसमें हमें भूखा रहना होता है। उसके बाद हम 0 calorie लेते हैं जब हमारा फास्टिंग पीरियड स्टार्ट हो जाता है। तो जो मैं लेती थी मील में, अगर चावल बन गया तो मैं 100 ग्राम चावल मैं आपको हाथ के अकॉर्डिंग बताऊँ तो इतना होता है, ठीक है, इतना सा होगा वो 100 ग्राम। मेरे पास वेट मशीन है जिससे मैं अपने खाने को नापती हूँ, उसके अकॉर्डिंग खाती हूँ। 100 ग्राम मैंने घर का चावल ले लिया। दाल बना है, दाल में भी प्रोटीन होता है। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाई प्रोटीन होता है, हाई प्रोटीन आपका हो जाएगा पनीर, टोफू, सोयाबीन्स, ये सब, मतलब दाल में भी प्रोटीन होता है। तो आपके घर में अगर दाल बना है तो आप बिना छौंके मम्मी को बोल दो दाल निकाल देने के लिए, और आप उसे निकाल के रख लो। खाने का टाइम हो तो आप दाल, चावल, सैलेड्स और कोई एक सब्जी बना लो, लाइक सोयाबीन या पनीर का सब्जी, जिसमें आपको हाई प्रोटीन मिल जाए, ठीक है। ये हो गया आपका होम कुक फूड। यहाँ पे आपको स्टॉप करना है, आपने ये खा लिया।
उसके बाद मैं आपको लिंक मेंशन कर दूंगी प्रोटीन पाउडर का, अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं ले सकते, लाइक मैं हूँ मिडिल क्लास, मेरे पास इतने पैसे नहीं होते कि मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करूँ, टू बी ऑनेस्ट मैं प्रोटीन पाउडर जो लेती हूँ वो है सोय आइसोलेट प्रोटीन, जो मेरे वेट लॉस में बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है, वो सिर्फ 540 रुपीज़ का है, विच इज़ वेरी गुड। इस रेंज में ना कोई भी प्रोटीन पाउडर आप लोगों को नहीं मिलेगा फॉर श्योर, मैं आपको वो मेंशन करूँगी, आप लोग वो परचेज कर सकते हो। प्रोटीन इंक्लूड करना बहुत अच्छा, अगर आप अपने इंडियन मील या होम कुक फूड में नहीं ले पा रहे हो बहुत ज़्यादा प्रोटीन, तो आपको क्या करना है, जो मैं लिंक मेंशन करूँ वो आप एक बार परचेस करो, ये अराउंड 2-3 महीने चल जाएगा, हाँ इतना 2-3 महीने चल जाता है। एक स्कूप आपको लेना, उसमें आपको 26 से 28 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलेगा जो कि बहुत ज़्यादा है, वो आप ले लो लंच करने के 1 घंटे बाद, या ब्रेकफास्ट के टाइम ले लो, या इवनिंग में ले लो, ठीक है। आपको जो आपको बहुत ज़्यादा आप खर्चा नहीं कर सकते, आप घर का खाना खाओ एक टाइम, ठीक है, आपके घर में जो भी बन रहा है उसको बस क्वांटिटी कम करके खाओ, ठीक है, ओवर नहीं खाना है हमने, कम करके, लाइक जितना आप खाते हो ना उसका आप आधा लो, ठीक है, 2 रोटी खाते हो तो 1 रोटी लो, चावल अगर इतना खा रहे हो ना तो इतना सा खाओ, सब्जी कम करो, सलाद ज़्यादा ऐड करो, दही लो, दूध लो, ठीक है, ये सारी चीज़ें लो, बहुत ज़्यादा आपको 3-4 लीटर पानी पीना होता है। अगर मैं अकॉर्डिंग मैं बताऊँ मैं कितना पीता हूँ तो लीटर में नहीं बताऊँगी, मेरा एक दिन का होता है 10 ग्लास, 8 से 10 ग्लास में पानी पी लेती हूँ, इससे ज़्यादा ओवर इतना टाइम नहीं होता यार कि बार बार पानी पीते रहें, बट हाँ जब भी टाइम मिल रहा है आपने पानी पी लिया। अब बात करते हैं इवनिंग स्नैक, मैं नहीं लेती हूँ इवनिंग स्नैक, ये सब चोचले होते हैं, ठीक है, इंटरमीडियंट फास्टिंग में आप इतना नहीं खा सकते, एक बार आप करोगे ना 3-4 दिन में आपका बॉडी को आदत हो जाएगा इंटरमीडियंट फास्टिंग अकॉर्डिंग चलने का, तब आपको बहुत ज़्यादा भूख नहीं लगती। फिर भी मैं इंटरमीडियंट फास्टिंग में आपको स्नैक का ऑप्शन देती हूँ, विच इज़ आप ले सकते हो ग्रीन टी, बट अगर आप ग्रीन टी भी नहीं अफोर्ड कर सकते हो तो मैं आपको बताऊँ कि कॉफ़ी होता है ना, तो आप ब्लैक कॉफ़ी लिया करो। ब्लैक कॉफ़ी में सिर्फ आपको पानी में उबाल के पीना होता है, जिससे आपको फैट बर्न में बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है कुछ लेने का, तो मखाना, पीनट्स, या हाँ फ्रूट्स, एक सीजनल फ्रूट्स ले सकते हो, ठीक है, जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना जो आपको पता होगा हेल्दी है, आप वो चीज़ें लो, आलमंड्स ले लो थोड़े बहुत 2-4 ले लो, बस टेस्ट के लिए तो स्नैक चाहिए होता है ना, वो ले लिया आपने, ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी ले लिया, नारियल पानी ले लिया, ठीक है। इवनिंग में मैं सजेस्ट करूँगी कुछ हैवी आपने नहीं खाना, अगर आप बहुत जल्दी वेट लॉस फैट लॉस करना चाहते हो, इंटरमीडियंट फास्टिंग का यही एक फंडा है कि आपने बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता है, आप अपने कैलरीज काउंट करो कि आप कितना खा रहे हो, गूगल पे आजकल सब कुछ, आप अगर एक फूड को ऐसे मेंशन करोगे ना कि इस फूड में कितना कैलरी हो, आपको सब आ जाएगा, और धीरे धीरे जब आप स्टार्ट करोगे ना अपने वेट लॉस जर्नी को, तो आपको टाइम टू टाइम आपको सब आते जाएगा कि आपने कब क्या करना है, कब खाना है, कैसे खाना है, कितना खाना है, इसमें कितनी कैलरी, आपको सब कुछ का नॉलेज हो जाएगा फॉर श्योर, डोंट वरी। तो जो डिनर ऑप्शन है उसमें आप सूप ले सकते हो, ठीक है, सूप ही आपने लेना है, या सॉटेज वेजिटेबल ले लो, या फ्राई पनीर ले लो, या फ्राई आपने ले लेना है सोयाबीन, और ये सब कुछ का क्वांटिटी आपको होना चाहिए 50 to 100 ग्राम, इससे अबव आपको नहीं जाना है। एक आप मशीन ले लो, या आप अंदाज़ा लगा लो, एक छोटा सा जो कटोरी होता है ना उसमें आपको 50 ग्राम आ जाएगा, उससे थोड़ा सा बड़ा में आपको 100 ग्राम आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से आपको करना। और शाम को 6 बजे के बाद आपने नहीं खाना, आप सुबह अपना स्टार्ट कर सकते हो 10 या 11 बजे के बीच में, और शाम को 6 बजे आपको या 7 बजे ख़त्म कर देना अपना खाने का पीरियड, और इन सब के बीच में आपको दिन भर नहीं खाते रहना, जितने टाइम मैंने बताया ना उतने टाइम ही खाना है। शाम को आपने बहुत हल्का खा लिया, ठीक है, बहुत हल्का मीन्स सूप सॉर्टेड, वेजिटेबल सॉर्टेड, पनीर सॉर्टेड, आपका सोयाबीन्स, अगर आप चिकन वगैरह खाते हो, चिकन में भी फैट होता है, कैलरीज भी ज़्यादा होती है, इन सब चीज़ों को आपको काउंट करना, बॉइल्ड एग ले सकते हो, ठीक है। आपने शुरुआत बहुत अच्छी करी, ठीक है, लाइट वेट किया, आपने हैवी मील लेना है आफ्टरनून में, और शाम को बिल्कुल लाइट करना है डिनर के टाइम पे, और उसके बाद आपको कुछ नहीं लेना। बहुत लोग बोलते हैं कि आप ग्रीन टी ले सकते हो फास्टिंग में, एप्पल साइडर विनेगर ले सकते हो, नहीं, ग्रीन टी, ब्लैक टी आपको फास्टिंग पीरियड में नहीं लेना, अगर आप फास्ट कर रहे हो, ठीक है, और आपको नहीं पता रहता कि ब्लैक टी में भी कैलरी होती है और ग्रीन टी में भी कैलरी रहती है, और वो आपके बॉडी पे क्या इंपैक्ट करेगा वो आपको आइडिया नहीं रहेगा। तो मैं सजेस्ट करूँगी जब आपका फास्टिंग पीरियड स्टार्ट होता है, लाइक सुबह आपने 10 बजे खाने का स्टार्ट किया, ठीक है, अपना फास्ट तोड़ा, और शाम के 6 बजे या 7 बजे ख़त्म किया, तो वो जो शाम के 7 बजे से लेकर सुबह के 10 बजे का जो पीरियड है ना, उसमें आपको सिर्फ पानी ही लेना है, ठीक है, पानी के अलावा आपने कुछ नहीं लेना, और इससे अपना
1 वीक ट्राई करो, 1 वीक आप ट्राई करोगे देन आप मुझे इसी वीडियो के कमेंट में बताने आना कि आपको कितना फर्क दिखा। मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका 3 किलो कम होगा 1 वीक में, जो कि इजी नहीं होता है। जनरली जो नॉर्मल डाइट करते हैं उनका 3 किलो कम होता है 2-3 किलो 1 महीने में, आपका 1 वीक में होगा, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यही ओवरऑल है कि आपको अपना, अगर आप बहुत ज़्यादा नहीं खर्चा कर सकते तो घर का खाना खाओ एक टाइम, ठीक है, और शाम को अगर नहीं भी खाना चाहो तो चलेगा। 2 मील भी लोग लेते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में, ठीक है, मैं ज़्यादातर 2 मील लेती हूँ, मैं 3 मील अवॉइड करती हूँ, जब मन करता है ले लेती हूँ, नहीं तो नहीं लेती हूँ। सुबह अच्छा खा लिया, फ्रूट्स वगैरह खा लिए, सबके घर में होते हैं, दोपहर को घर का खाना खा लिया थोड़ा थोड़ा करके, शाम को कुछ खाया कुछ नहीं खाया, और फिर ख़त्म किया, फास्ट किया, 1 वीक बाद बहुत अच्छा रिजल्ट दिखेगा। थोड़ा बहुत वर्कआउट कर लेना, वर्कआउट करने से बॉडी एक्टिव होता है, जो भी खा रहे हो उसे भी बर्न करेगा, समझ लो, जो खा रहे हो उसे भी बर्न करेगा। एक्सरसाइज करो, वॉक कर लो 1 घंटे, स्किपिंग कर लो, एप्स वर्कआउट कर लो आधा घंटा 20 मिनट का, योगा कर लो, जो भी आपकी बॉडी को सूट करता है, ठीक है, ये आप ट्राई करना। और पानी पीते रहना, ठीक है, जितना हो सके पानी पियो, पानी पियोगे वॉशरूम भी आएगा। इसी तरीके का प्रोसेस होता है कुछ करने का, ठीक है, इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐसे ही होता है, 2 मील लो 3 मील लो, लेकिन बराबर से लेना होता है आपने। और या आई थिंक मैंने आप लोगों को सब कुछ क्लियर कर दिया कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग कैसे कर सकते हो होम कुक फूड के साथ में, आपको ज़्यादा एक्सपेंस खर्च नहीं करना होगा। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू लाइक से सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड ऑल्सो कमेंट करके बताना ये वीडियो कैसे लगी, और 1 हफ्ते बाद कमेंट करने फिर से आना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।